तो ग्वालियर की बात, अब मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात कर लेते हैं, जहां जबलपुर में भी डेंगू का कहर लगातार जारी है। 5 नए डेंगू पीड़ित मरीज मिले हैं। 2 महीने में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज अब तक मिल चुके हैं। जनवरी से अभी तक 250 मरीज और अलर्ट हुआ है स्वास्थ्य विभाग। तो मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप राजधानी भोपाल के बाद ग्वालियर और अब जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है, अलर्ट हो चुका है हालांकि स्वास्थ्य विभाग। संजय साहू, ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, जिस तरीके से ग्वालियर के बाद अब जबलपुर में भी देखने को मिला है लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की, तो लगातार डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है और अब पुनः 5 लोगों में पुष्टि मिली है जिसमें कि डेंगू बताया गया है। इस प्रकार लगभग 250 लोग जो हैं वो डेंगू के शिकार हो चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ मौतें भी हुई लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि डेंगू से कोई मौत नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमले को सजग होना चाहिए था वो सजग होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि अब लगातार जब मामले मिल रहे हैं तो अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट हुआ और अलर्ट मोड पर आया है। अब देखना ये होगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। हालांकि डेंगू का जिस प्रकार से प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी इसमें नजर आ रही। जी, तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी देने के लिए।